हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज कुमार सिंह आज लाया हूं आपके लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर एक आंसर राइटिंग क्वेश्चन की एक श्रृंखला, जिसमें आपको लगभग 3 या 4 क्वेश्चन मैं कराऊंगा और इन क्वेश्चनों में आपको उत्तर लेखन में बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय रिलेशनशिप में। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, भारत म्यांमार, इसी को बर्मा बोला जाता है, भारत म्यांमार संबंधों की मधुरता भारत के लिए बहु ही साधने वाला है, इस पर टिप्पणी लिखना है। भारत और म्यांमार पड़ोसी देश हैं। भारत और म्यांमार दोनों क्या हैं? पड़ोसी देश हैं। अगर इसे आप मैप पर देखते हैं, मैप पर आप देखिए तो इसकी जो है सीमा, आप देखिए यह भारत है, भारत के ठीक बगल में म्यांमार है, और मतलब ये आप जान लीजिए कि यह ब्रह्मपुत्र नदी के साथ साथ ये भूटान जो है, भूटान और ये आपका जो गुवाहाटी है, गुवाहाटी से इससे मिलते जुले हैं, कई पूर्वोत्तर राज्यों से सीमा बनाता है। ठीक है, तो ये आपका जो म्यांमार है, भारत से जली और स्थली दोनों प्रकार की सीमाएं साझा करता है, तो इसकी बात हम लोग कर रहे थे म्यांमार का। तो इस पड़ोसी देश होने के नाते इसका महत्व क्या है? तो म्यांमार जो है, भारत और म्यांमार लगभग 1600 किमी भूमि सीमा साझा करते हैं और बंगाल की खाड़ी में समुद्री सीमा साझा करते हैं, अतः ये दोनों देश निकट पड़ोसी हैं। ऐसे में म्यांमार के साथ मधुर संबंध भारत के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको पता होगा बिम्स्टेक जो है, बिम्स्टेक के सदस्य के रूप में भी इसको जाना जाता है। किसको? बर्मा को। बर्मा जो है भारत का एक अभिन्न अंग है, सांस्कृतिक रूप से भी यह बौद्धिस्ट देश होने के कारण भारतीयों से प्रायः जुड़ा हुआ है। तो इसके बारे में जो प्रश्न मधुरता की बात करें, इसका महत्व क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। भारत के लिए म्यांमार का महत्व क्या है, इसको हम लोग जो है देखते हैं एक ग्राफ द्वारा। अब आप देखिए भौगोलिक स्थिति, भारत और म्यांमार के बीच में भौगोलिक स्थिति की बात करें तो भारत म्यांमार जो है, भारत के साथ जो है 1600 किमी से अधिक लंबी सीमा म्यांमार से लगी हुई है भारत की, और उत्तर पूर्व के 4 राज्यों की सीमा भी यह साझा करता है। इसके बाद भारत की लुक ईस्ट नीति के केंद्र में है, आसियान बिम्स्टेक गंगा मेकांग परियोजना, इन परियोजनाओं और संगठनों से भी भारत और म्यांमार दोनों जुड़े हुए। आसियान का सदस्य भारत है, म्यांमार है, बिम्स्टेक का सदस्य भारत है, म्यांमार है, गंगा मेकांग को एक में जोड़ रहा है, और ये परियोजना भी जो चल रही है दोनों की संयुक्त परियोजना है। अब बात करते हैं कि उत्तर पूर्व तक पहुंच तथा रक्षा सुरक्षा सहयोग और रोहिज्ञा, इसमें बात करें तो द्वितीय द्विपक्षीय बहुपक्षीय सहयोग की बात करें तो व्यापारिक सहयोग, विकास सहयोग, म्यांमार में भारतीय प्रवासी संस्कृति संबंध, भारतीय जो प्रवासी हैं म्यांमार में उनका और भारतीयों का सांस्कृतिक संबंध भी बना हुआ है। तो ये जो है भारत और म्यांमार के बीच में संबंध को अधिक मधुर बनाने और महत्वपूर्ण बनाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। भारत म्यांमार थाईलैंड हाईवे, इस माध्यम से भी ये देश जो है एक दूसरे के साथ अपनी अपनी जो है सीमाएं और सांस्कृतिक सीमाएं भी साझा करते रहते हैं। इस तरह की नीतियां जो है इनके बीच में बनी रहती है, ये जो है इनकी बहुत बड़ी विशेषता रही है। भारत के 4 राज्यों, भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं, उनमें आपका राज्य है जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड की सीमा म्यांमार से जुड़ी हुई है। भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र दुर्गम पहाड़ और जंगलों से घिरा है। म्यांमार के साथ मधुर संबंध भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के आर्थिक परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण रहा है। म्यांमार भारत दक्षिण पूर्व एशिया के बीच सेतु का काम करता है। म्यांमार और भारत की बात करें तो दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश हैं इनके लिए यह किसका काम करता है? सेतु का काम करता है। किसका काम करता है? सेतु का काम
करता है, मतलब आपको थाईलैंड जैसे देशों में अगर जाना है तो ये क्या करेंगे, एक सेतु का काम करते हैं। म्यांमार आसियान और बिम्स्टेक संगठनों के प्रमुख सदस्य हैं। भारत और म्यांमार दोनों ही आसियान और बिम्स्टेक के महत्वपूर्ण सदस्यों में से एक हैं, जो प्रायः भारत के संबंध को मधुर करने में अधिक महत्वपूर्ण होगा। साथ ही मेकांग परियोजना में भी साझेदारी है। गंगा मेकांग परियोजना बर्मा और भारत की संयुक्त परियोजना है। कैसी परियोजना है? संयुक्त परियोजना है। म्यांमार भारत की एक्ट ईस्ट नीति के लिए भी महत्वपूर्ण है। म्यांमार भारत थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना ये क्या है? राजमार्ग है, राममार्ग लिख दिया गया है। राजमार्ग परियोजना जो है, राजमार्ग परियोजना के माध्यम से भारत उत्तरी पूर्व एशिया तक पहुंच सुलभ हो जाएगी। भारत म्यांमार में तेल एवं गैस क्षेत्र में बृहत रूप से निवेश करने वाला एक बड़ा निवेशक है। भारत म्यांमार में तेल एवं गैस क्षेत्र में बृहद रूप से निवेश करने वाला एक बड़ा निवेशक है। इसके अतिरिक्त कलादान परियोजना के जरिए म्यांमार के सिटवे का भारत के कोलकाता से सीधा संबंध होगा, जो पूर्वोत्तर राज्यों तक समुद्री रास्ते से पहुंच के लिए महत्वपूर्ण होगा। अगर बात करें हिंद महासागर में, तो अगर हिंद महासागर में चीन की शक्ति को दबाना है, तो ऐसे में आपको बता दें कि म्यांमार जो है भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण देश सिद्ध होगा। हिंद महासागर में चीन की प्रति संतुलित करने के लिए भी म्यांमार की भौगोलिक स्थिति भारत के लिए महत्वपूर्ण है। अगर भारत के पक्ष में म्यांमार खड़ा हुआ है, तो भारत क्या है, राजनीतिक दृष्टि से अपने आप को मजबूत सिद्ध पाएगा, और जबकि अगर उसे अलग हो जाएगा तो अपने आप को कमजोर सिद्ध करेगा। इस प्रकार कहा जा सकता है कि म्यांमार भारत के लिए रक्षा सुरक्षा, व्यापार, क्षेत्रीय शक्ति संतुलन, उग्रवाद, चीन के प्रभाव तथा कई दूसरे कारकों के दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण है। भारत को राजनय का मतलब होता विदेशी संबंध, व्यवसाय, संस्कृति के रचनात्मक मिश्रण के आधार पर म्यांमार के साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाने का प्रयास करना चाहिए। आपको मैं बता दूं कि जैसा कि आपने देखा कि आसियान का सदस्य भारत है, म्यांमार है, और इसके अतिरिक्त जो है आसियान और म्यांमार के बीच में संबंध रहा है। इसके अतिरिक्त जो है अन्य जो संबंध रहे हैं भारत म्यांमार का, तो ये जो है अत्यंत महत्वपूर्ण रहे हैं। और इसके अतिरिक्त जो है हाई राजमार्ग जो है थाईलैंड, बर्मा और भारत, ये भी महत्वपूर्ण रहा है। इसके अतिरिक्त जो है सामुद्रिक दृष्टि से देखें, आतंकवादी दृष्टि से देखें, हर जगह से भारत म्यांमार एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं, और ऐसे में चीन की हिंद महासागर नीति को भी कमजोर भारत कर सकता है बांग्लादेश के सहयोग से। अगर व्यापारिक बात करें तो गैस और तेल के क्षेत्र में सबसे बड़े निवेशक देश के रूप में बर्मा का स्थान आता है। बर्मा का स्थान जो है एक अच्छे निवेशक देश के रूप में भी भारत में आता है, ये जो है अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। अगले बात करते हैं हम, अगला प्रश्न है आपका आईआर का दूसरा प्रश्न, 14वां नंबर पर, मतलब ये दूसरा प्रश्न है आपका, ये क्या है आप जान लीजिए। चाबहार बंदरगाह पर संपर्क समझौते से भारत ईरान दोनों को लाभ होगा, व्याख्या कीजिए। चाह बाजार परियोजना इस समय खैर खतरे में चल रही है, चाह बाजार परियोजना, तो इस पर हम चर्चा करते हैं कि चाह बाजार की जो परियोजना है भारत और ईरान के बीच में, चाह बाजार बंदरगाह विकसित करने के लिए जो परियोजना चल रही थी, भारत को इसका क्या लाभ मिलेगा, क्या अब यह स्थिति भारत के लिए अनुकूलित है या नहीं है, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो सबसे बड़ी बात जान लीजिए कि जो एशिया, उत्तर पूर्व एशिया का देश ईरान है, भारत और ईरान का संबंध बहुत प्राचीन काल से रहा है,
और आज भी दोनों देश एक दूसरे के पूरक रहे हैं, लेकिन ये जानते हैं राजनय संबंध जो है विभिन्न दलों की सरकारों के साथ बदलते रहते हैं, कुछ इसमें उतार चढ़ाव होता रहता है। अगर इसकी बात करें तो इसमें आप इसके उत्तर को देखें कैसे लिखा जाएगा इसका उत्तर, तो बात करते हैं भारत ईरान द्वारा चाह बाहर बंदरगाह विकसित करने के समझौते के तहत भारतीय सहयोग से निर्मित इस बंदरगाह का उपयोग तो ईरान करेगा, किंतु इसके प्रबंधन का अधिकार भारतीय कंपनी के हाथों से होगा, इससे अनेक द्विपक्षीय लाभ होंगे। भारत को क्या क्या लाभ इससे हो रहा है इसकी बात करते हैं, भारत को क्या क्या इससे लाभ होगा। तो पहला है, भारत के लिए चाह बाजार बंदरगाह सामरिक महत्व का है। चीनी सहयोग से पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह विकसित किया जा रहा है, जिससे अफगानिस्तान, मध्य एशिया, मध्य पूर्व और खाड़ी देशों में भारतीय हित प्रभावित हो सकता है। चूंकि चाबहार ग्वादर बंदरगाह से मात्र 72 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, अतः इस समझौते से भारत को सामरिक बढ़त प्राप्त हो जाएगी। इस बंदरगाह से भारत को अनेक आर्थिक लाभ होगा। भारत ईरान से तेल और प्राकृतिक गैस आयात करता है तथा इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायन और कृषि उत्पाद ईरान को निर्यात करता है। इस प्रक्रिया में स्वयं द्वारा संचालित बंदरगाह होने से माल भाड़े की ढुवाई की लागत में कमी आएगी। चाबहार के माध्यम से भारत बिना पाकिस्तान की भूमि का उपयोग किए अफगानिस्तान, मध्य एशिया और रूस से जुड़ जाएगा। आपको बता दें कि अभी तक क्या था, चाह बाजार विकसित न होने के कारण भारत को पाकिस्तान की भूमि से यात्रा करनी पड़ती थी, व्यापार करना पड़ता था, लेकिन आपको मैं बता दूं कि अगर ये बंदरगाह विकसित हो जाता है तो भारत को पाकिस्तान जाए बिना ही यात्रा सुगम हो जाएगा। चाबहार के माध्यम से भारत बिना पाकिस्तान के भूमि का उपयोग किए अफगानिस्तान, मध्य एशिया और रूस से जुड़ जाएगा। चूंकि मध्य एशिया और रूस प्राकृतिक संसाधनों से मुक्त हैं, अतः भारत के लिए इन संसाधनों को प्राप्त करना आसान हो जाएगा। आपको बता दें चूंकि मध्य एशिया रूस ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधनों से युक्त हैं, अतः भारत को इन संसाधनों से संसाधनों को प्राप्त करना आसान हो जाएगा। ईरान को क्या क्या लाभ मिलेगा इससे, परमाणु हथियारों के मामले में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के चलते ईरान को बंदरगाह में भारतीय निवेश से अरबों डॉलर प्राप्त हो रहे हैं, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था संतुलित हुई है। अंतर्राष्ट्रीय सरकार द्वारा चाबहार को मुक्त व्यापार और औद्योगिक क्षेत्र के रूप में निर्दिष्ट किया है, अतः अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इसकी अहम भूमिका होगी, जिसका लाभ ईरान को प्राप्त होगा। ईरान में तेल और गैस के अनुकूलित अकूत भंडार हैं, जिनके निर्यात के लिए आधुनिक और सभी सुविधाओं से युक्त बंदरगाह की आवश्यकता होती है। ईरान को चाबहार से इस प्रकार के लाभ प्राप्त हो जाएंगे, अतः चाबहार समझौता ईरान तथा भारत दोनों को बहुआयामी रूप से लाभान्वित करेगा। ये दोनों को जो है बहुआयामी रूप से क्या करेगा, लाभान्वित करेगा। अगला जो प्रश्न है भारत आसियान संबंधों के अवरोध तत्व की पहचान कीजिए। भारत और आसियान के अवरोध तत्वों की पहचान करना है, ये प्रश्न है। इसमें आप देखिए इसका उत्तर कैसे लिखा, भारत और आसियान, पहले इसकी भूमिका थोड़ा सा लिखना जरूरी है। भारत और आसियान एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कई देशों की संयुक्त एक
संगठन है और इसमें भारत और उसके पड़ोसी कुछ देश भी सदस्य हैं, जिसके कारण भारत को इसका लाभ मिल सकता है। भारत भी आसियान का महत्वपूर्ण सदस्यों में से एक है। अगर बातें करें तो बात करते हैं भारत आसियान संबंध वर्ष 1992 के बाद तेजी से विकसित हुए। वर्ष 2002 में कंबोडिया के नोम पिन में भारत आसियान शिखर सम्मेलन आयोजन ने संबंधों को और मजबूत बनाया। वर्ष 2015 में 13वें भारत आसियान शिखर का आयोजन हुआ, जिसमें आसियान देशों ने भारत की एक्ट ईस्ट और मेक इन इंडिया, जैसा कि आप जानते हैं मोदी सरकार की ये बहुत बड़ी नीतियां हैं एक्ट ईस्ट और मेक इन इंडिया, इन नीतियों का स्वागत किया। इस प्रकार की मजबूत साझेदारी होने के बावजूद कुछ ऐसे अवरोध तत्व भी हैं जो भारत आसियान संबंधों में करवाहट घोल रही है। अब बात करते हैं कि आखिर भारत आसियान संबंधों के अवरोधक तत्व कौन कौन से हैं। अवरोधक माने बाधक तत्व कौन कौन से हैं। अब बात करते हैं पर्यटन उद्योग में संतुलन। अगर बात करें इनसे भारत को क्या क्या लाभ होगा, तो पर्यटन उद्योग में संतुलन, निवेश व व्यापार में संतुलन, अंतर्राष्ट्रीय अवरोधक तत्वों की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर दुष्प्रभाव पड़ेगा, मनी लॉन्ड्रिंग पर प्रभाव पड़ेगा, मादक पदार्थों की तस्करी बढ़ जाएगी, चीन का बढ़ता प्रभाव असर दिखाएगा, आतंकवादी गतिविधियां बढ़ जाएंगी, विकास में सहयोग और सहयोग की सीमित क्षमता दिखाई देगी। ये इसके जो है दुष्प्रभाव दिखाई दे रहे हैं। भारत आसियान संबंधों के अवरोधक तत्व क्या क्या है, निवेश व व्यापार में असंतुलन ये अवरोधक तत्व है, पर्यटन व उद्योग में असंतुलन, मनी लॉन्ड्रिंग में असंतुलन, मादक पदार्थों की तस्करी में वृद्धि होगी, चीन का बढ़ता प्रभाव इस पर असर कर रहा है, आतंकवादी गतिविधियां असर कर रही हैं, विकास में सहयोग की सीमित दक्षता काम कर रही है और स्थानीय व्यापार पर दुष्प्रभाव इस पर असर कर रहा है। भारत आसियान संबंधों के अवरोधक तत्वों को अभी इसमें पॉइंट वाइज देखिए क्या क्या है। तो अगर बात करें भारत आसियान संबंधों के अवरोधक तत्व कौन कौन से हैं, इस पर विशेष रूप से ध्यान देंगे तो क्या क्या है, निवेश व व्यापार में असंतुलन दोनों के मध्य एक प्रमुख अवरोधक है। दूसरा है मुक्त व्यापार समझौते के कारण भारत में सस्ते उत्पादों का आयात बढ़ गया है, जिससे भारतीय स्थानीय उद्योग दुष्प्रभावित हो रहे हैं, जैसे आसियान के सस्ते माप तेल का जो है पाम तेल का आयात केरल स्थानीय पाम तेल उत्पादकों को हानि पहुंचा रहा है। आपको जान लीजिए कि केरल भारत का अभिन्न राज्य है, केरल और केरल में पाम तेल होता है, जो है केरल में पाम तेल होता है, पाम तेल का उत्पादन केरल अच्छा खासा करता है, लेकिन एक समझौते के तहत भारत अगर आसियान का सदस्य हो रहा है तो भारत को पाम तेल यहां पर सस्ते में तेल मंगा लेता है, तो भारतीयों को सस्ते में तेल तो मिल जाता है, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट केरल जैसे राज्य पर पड़ रहा है कि लोग जो है पाम तेल आने पाने के बाद इसको क्या करते हैं, इससे दूरी बना लेते हैं, वहां विदेशी तेल यूज करने लेते हैं, भारतीय तेलों को त्याग कर देते हैं। और जब मोदी सरकार ने स्वदेशी अपनाओं की बात कहा, विदेशी मालों के बहिष्कार की बात किया है, स्वदेशी का नारा दिया, ऐसे में निश्चित रूप से यह प्रभाव भारतीय व्यापार पर पड़ेगा। आसियान देशों में मादक पदार्थों की तस्करी भी संबंधों में अवरोध का एक प्रमुख कारण बन गया। आपको बता दें मादक पदार्थ चीन, पाकिस्तान और अन्य अरब कंट्री के देशों द्वारा मादक पदार्थों के तस्करी भारी मात्रा में वहां पर होती है और उसका असर भारत के व्यापार पर पड़ रहा है, तो निश्चित रूप से ये इसका प्रमुख कारण बन रहा है। आसियान देश के जरिए भारत में मनी लॉन्ड्रिंग
एक प्रमुख अवरोधक तत्व है। मनी लॉन्ड्रिंग के द्वारा भारत में काले धन को वैध बनाया जाता है। आपको बता दें, मनी लॉन्ड्रिंग के द्वारा भारत में जो काला धन है आसियान सदस्यों द्वारा यहां पर वैध बनाया जा रहा है, उसको जो है भारतीय मुद्रा और व्यापार पर इसका बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। तो निश्चित रूप से आपको मैं बता दूं कि इसका जो असर आ रहा है यह भारत के लिए क्या है, घातक है। आसियान देशों और भारत की सहयोग शक्ति सीमित है, जिसके कारण क्षेत्र में विकास परियोजनाओं की गति नहीं मिलती है। आपको बता दें, ये जो है इसकी जो फंडिंग है वो बहुत कम होने के कारण आसियान इस भारत से ज्यादा लाभ ले रहा है, जबकि भारत को इससे कम लाभ मिल रहा है, अवरोधक बन रहा है इसके क्षेत्र में। आतंकवादी गतिविधियां भी दोनों समूहों के बीच अवरोधक का कार्य कर रही हैं। आपको बता दें, आसियान और भारत के संबंध में जो अवरोधक बन रहा है वो आतंकवादी गतिविधियां भी बन रही हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि आसियान क्षेत्र में चीन की प्रभावी उपस्थिति भी, आसियान का प्रमुख सदस्यों के रूप में चीन का होना भारत के लिए अवरोधक है। आपको बता दें, जो चीन है इसका एक प्रभावी सदस्य है और वो इसमें अब भारत के लिए अवरोधक का काम करता है। इसके अतिरिक्त जो है दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रों में व्यापक आर्थिक, राजनीतिक एवं ऊर्जा की संभाव्यता को देखते हुए भारत का इस क्षेत्र में प्रभावी उपस्थिति अपरिहार्य है। अतः भारत को इस क्षेत्र में संपर्क बढ़ाने के लिए अधिक प्रभावी उपायों को अपनाना होगा। भारत को इसके संबंध में एक प्रभावी नीति को अपनाना होगा, जिसके कारण भारत आसियान के बीच में जो समझौते हुए हैं वह निश्चित रूप से भारत के लिए अवरोधक का कार्य कर रहे हैं, और ये अवरोधक निश्चित रूप से भारत और आसियान संबंधों को मधुर न बनाकर कटु बना देता है। ठीक है दोस्तों, तो आप हमारे इस YouTube चैनल को ऐसे आंसरों को देखने के लिए हमारे मनोज आईएएस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में अपनी समस्याओं को जरूर बताएं, जिससे आपको बेहतर से बेहतर हम सेवा दे सकें। और दूसरी बात है कि दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जल्द ही मनोज आईएएस जो है एक ऐप लॉन्च कर रहा है मनोज आईएएस के नाम से, जो आपको प्ले स्टोर पर मिलेगा, और ये प्ले स्टोर पर आपको मिलेगा और इसको आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, और जिससे आप मनोज आईएएस के वेबसाइट और अन्य सुविधाओं से सीधे जुड़ सकते हैं। तो प्ले स्टोर पर आप 8 तारीख से आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।